हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ राजन शर्मा। दोस्तों, आज की इस टैली की वीडियोस में मैं आपको टैली का नोट्स देने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी ट्रांजैक्शन को देखकर आप ये कैसे पहचानेंगे कि टैली में इसका जो एंट्री है हम वो किस वाउचर में करेंगे। तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है। इससे पहले की वीडियोस जो है, इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी उसके अंदर मैंने आपको रिसिप्ट वाउचर, सेल्स वाउचर्स क्या होते हैं, परचेस वाउचर्स क्या हैं, क्रेडिट नोट्स क्या हैं, डेबिट नोट्स क्या हैं, इस तरीके के जो नोट्स थे वो सारी चीज़ें जो है मैंने आपको एक एक करके बताई थी। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो पहले आप वो वाले नोट्स देख लें, उसके बाद फिर आप ये देखें। तो आज की वीडियोस में हम बात करने जा रहे हैं कि टैली के अंदर किसी भी ट्रांजैक्शन को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम उस ट्रांजैक्शन को पहचान सकें, ठीक है, कि जो वो ट्रांजैक्शन है वो किस किस कैटेगरी अंदर रिकॉर्ड होगा, ठीक है। जैसा कि आपको पता ही है कि रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग जो है वो ऑप्शन दिए होते हैं। जैसे अगर सेल्स से रिलेटेड कोई एंट्री के सेल्स से रिलेटेड कोई, तो वो सेल्स बाउचर के अंदर उसकी एंट्री करनी है। रिसिप्ट से रिलेटेड तो आपको रिसिप्ट उसकी एंट्री करनी है। परचेस से रिलेटेड कोई चीज़ है तो आपको परचेस के अंदर उसकी एंट्री करनी है। तो इस तरीके से हमें जो एंट्री करनी होती है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप देखेंगे यहाँ मेनू बार में, यहाँ पर आपको रिसिप्ट वाउचर, जनरल, सेल्स, परचेस, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिलते हैं। तो अगर कोई आपकी परचेस की एंट्री है तो आप यहाँ पर परचेस वाले फंक्शन में आगे इसकी एंट्री करेंगे। अगर कोई चीज़ आप सेल्स सेल्स की अगर कोई एंट्री है तो आप सेल्स में करेंगे। कोई रिसिप्ट है तो आपको रिसिप्ट के अंदर एंट्री करनी है। कॉन्ट्रा की अगर पेमेंट की कोई एंट्री है तो आपको पेमेंट के अंदर उसकी एंट्री करनी है। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, तो ये जो चीज़ें हैं इनकी वीडियोज में पहले बता चुका था। आज मैं आपको इनके जो ट्रांजेक्शन है वो बताऊँगा कि ट्रांजेक्शन को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं, कि ये जो ट्रांजेक्शन है इस ट्रांजेक्शन के एंट्री जो है वो टैली के अंदर किस में की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। जैसा कि आप नोट्स में देखेंगे, सबसे ऊपर मैंने यहाँ पर हेडिंग दे रखी है कि ट्रांजेक्शन को देखकर पहचानिए कि टैली में हमें इसे किस बाउचर के अंदर रिकॉर्ड करना है। बाउचर इट मीन्स कि सेल्स बाउचर के अंदर करेंगे या परचेस बाउचर्स के अंदर करेंगे या कौन से बाउचर्स के अंदर हम इसकी एंट्री करेंगे। जैसे देखिए, अब यहाँ पढ़ते हैं हम कि सबसे पहले अगर हम ट्रांजेक्शन को देखें, जैसे ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है कि आज के अध्याय में हम कुछ ट्रांजेक्शन सीखेंगे जिसके माध्यम से आप ये समझ पाओगे कि कौन सा ट्रांजेक्शन जो है उसकी किस ट्रांजेक्शन की जो एंट्री है वो किस बाउचर के अंदर रिकॉर्ड होगा। देखिए, ट्रांजेक्शन समझते हैं सबसे पहले यहाँ पर। ट्रांजेक्शन आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अप्रैल को हम कोई जो बिजनेस है वो शुरू करते हैं, और बिजनेस को शुरू करने के लिए आपने जो है वो 1 लाख रुपए की जो है नगद पूंजी जो ली है, मतलब कैपिटल लाए हो। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए हमारे पास पैसा होना जरूरी होता है। तो क्या है कि हमने अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए की जो पूंजी है, 1 लाख रुपए जो है वो हम लेकर आए हैं। तो पैसा मतलब कि इस बिजनेस में शुरू करने के लिए क्या हुआ है, हमारे पास आया है। तो देखिए, इस ट्रांजेक्शन में पूंजी के रूप में जो है नगदी आई है, नगदी के मतलब जो कैश है वो आया है। और जैसे कि हमने आपको बताया है कि नगद या बैंक के माध्यम से कोई भी प्राप्ति होती है, ये चीज़ें मैंने आपको अकाउंटिंग बाउचर वाली वीडियोस में बता रखा है कि अगर नगद या बैंक के माध्यम से अगर हमारे पास कोई भी प्राप्ति होती है, कोई भी अमाउंट हमारे पास आता है, तो इस तरह के ट्रांजेक्शन को आपको रिसिप्ट बाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब इस तरीके की जो एंट्री है वो आप रिसिप्ट बाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। रिसिप्ट बाउचर के अंदर कौन कौन सी एंट्री होती है मैंने आपको अकाउंटिंग बाउचर वाली वीडियोस में बताया है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियोस को देख लें, और अगर आपने देखी है और उसको सही तरीके से फॉलो नहीं किया है या याद नहीं किया तो पहले आप उन चीज़ों को सही तरीके से एक बार देख के दोबारा से समझ लें, उसके बाद आप इस वीडियोज़ को देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपको सारी चीज़ें जो ईजिली समझ में आएगी। देखिए नेक्स्ट है, जैसे मान लो कि 5 अप्रैल को हमने 20,000 रुपये जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से क्या किया, नगद जमा कराया है, ठीक है। मान लीजिए कोई खाता है, कोई खाता खोला है हमने, ठीक है, और जो खाता खोला है उसमें 20,000 रुपये क्या कि हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जमा किया है। तो इसमें क्या है कि पैसा जमा हुआ है। जैसे देखिए कि इस ट्रांजेक्शन में नगद रुपये जो हैं वो बैंक में जमा किए गए हैं, मतलब कैश जो है वो आपने बैंक में क्या किया, जमा किया है। और जैसा कि आपको पता है और आपको बताया गया है कि कैश अकाउंट से बैंक अकाउंट में या बैंक अकाउंट से कैश अकाउंट में रुपया आता है या जाता है, तो इस तरह के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसे हम काउंट्रा वाउचर्स के रिकॉर्ड करते हैं। मतलब कि इस तरीके के वाउचर को हम इस तरह के ट्रांजेक्शन को, सॉरी माफ कीजिएगा, हम काउंट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है।
आई होप कि क्लियर हो रहा होगा आपको, अगर आपने पहले वाली जो है वीडियो देखी हो तो। तीसरा देखिए, एक और ट्रांजैक्शन आप देखते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए 6 अप्रैल को राम शर्मा को नगद जो है वो 2,000 रुपये उधार दिए, नगद मतलब कि 6 अप्रैल को क्या है, राम शर्मा को कैश जो है ना उधार दिया गया, मतलब कैश के रूप में उधार दिया गया 2,000 रुपये। तो आप देखेंगे इस ट्रांजैक्शन में हमने राम शर्मा को नगद रुपया दिया है, और जैसा कि आपको पता ही है कि नगदी या बैंक के माध्यम से कोई भी पेमेंट किया जाता है, कैश या मान लो बैंक के माध्यम से आप किसी को कोई पैसा देते हो, तो इस तरह के ट्रांजैक्शन को आप पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करोगे। ये मैं आपको जो है ये आपको ट्रांजैक्शन समझा रहा हूँ कि अगर आप जब आप टैली पे काम करेंगे तो आपके पास इस तरीके के ट्रांजैक्शंस आएंगे जिसको आपको अपने टैली के अंदर रिकॉर्ड करना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो ट्रांजेक्शन है तो ये किसके अंदर रिकॉर्ड होगा, ये किस वाउचर के अंदर आएगा, ठीक है। इसलिए तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर पैसा जो है वो नगद या बैंक के माध्यम से आप किसी को भी देते हो, ठीक है, तो वो इस तरीके के ट्रांजेक्शन को आपको पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करोगे, आप पेमेंट वाउचर के अंदर इस तरीके की रिकॉर्डिंग होगी। चलिए एक और ट्रांजेक्शन देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 6 अप्रैल को व्यापार के लिए 51,000 का माल नगद खरीदा गया, मतलब कि हमने अपने बिजनेस के लिए 6 अप्रैल को क्या किया है कि 51,000 रुपये का जो माल है वो कैश में खरीदा है, ठीक है। और आपको पता ही है कि ट्रांजेक्शन को देखने से यह स्पष्ट है कि कोई भी जो सामान है वो खरीदा गया है, और खरीदा गया है मतलब कि परचेस किया गया है, सिंपल। तो इस तरह के ट्रांजेक्शन को आपको परचेस वाउचर में रिकॉर्ड किया जाएगा, या परचेस वाउचर में आप इस तरीके के एंट्रीज को रिकॉर्ड करोगे। नेक्स्ट देखिए, जैसे 6 अप्रैल को हमने जो है माल खरीदा था, उसकी गाड़ी भाड़ा जो है 100 रुपये नगद दिया। देखिए 6 अप्रैल को हमने जो भी माल खरीदा था, मतलब 6 अप्रैल को हमने कुछ माल खरीदा है, लेकिन उसका जो किराया है, जो कन्वेंस है, जो माल लेकर आया है गाड़ी, उसको हमने 100 रुपये जो है नगद दिए हैं, ठीक है। मतलब कि पैसा दिया गया है, ठीक है, पैसा जब दिया गया है मतलब कि पेमेंट की गई है, तो ये किस में आएगा, ये पेमेंट वाउचर के अंदर आप इसको रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। ट्रांजेक्शन में नगद भुगतान किया गया है, इसीलिए इस ट्रांजेक्शन को आपको पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट हमारा जो है देखिए, हमने जो माल खरीदा था, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में है कि हमने जो माल खरीदा था उसे 7 अप्रैल को 75,000 नगद में बेच दिया, मतलब कि हम मान लीजिए हमने कोई माल खरीदा था और उस माल को खरीदने के बाद हमने क्या किया, उसी माल को 7 अप्रैल को 75,000 रुपये में बेच दिया, और जो बेचा है उसमें क्या है, कैश हमारे पास आया है, ठीक है, मतलब कैश 75,000 कैश में आपने उसे बेचा है, ठीक है। और क्या किया आपने, बेचा है, तो बेचने का मतलब क्या है, सेल्स, ठीक है। तो जब आप कोई भी माल जब खरीदते हो और खरीदने के बाद अगर आप उस माल को बेच देते हो, ठीक है, या जो भी माल आपके पास है अगर आप उसको सेल करते हो, तो उस तरीके के ट्रांजैक्शन को आपको सेल्स वाउचर के अंदर रिकॉर्ड करना होगा, ठीक है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि देखने से, इस ट्रांजेक्शन देखने से ये साफ पता चलता है कि जो माल है वो बेचा गया है, और इसीलिए इस ट्रांजेक्शन को आपको सेल्स वाउचर में रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं एक और। जैसे कि 10 अप्रैल को मान लीजिए हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 23,000 का चेक देखकर मोटरसाइकिल खरीदी। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि इसके अंदर क्या है कि हमने 10 अप्रैल को एक मोटरसाइकिल खरीदी है, लेकिन जो मोटरसाइकिल हमने खरीदी है वो हमने कैश पेमेंट नहीं दिया है, ठीक है, और ना ही हमने बैंक से पेमेंट किया। हमने क्या किया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या किया, 23,000 का चेक बनाकर हमने दिया है, ठीक है, मतलब किस क्या क्या पेमेंट की है हमने, यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, क्या क्या हमने पेमेंट किया है, किस चीज़ की पेमेंट की है, जो हमने एक मोटर बाइसाइकिल जो खरीदी है उसकी पेमेंट की है 23,000 की, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो बैंक है उसके चेक के द्वारा किया गया है। तो इस ट्रांजेक्शन में क्या है कि मोटरसाइकिल आपने खरीदी है, ठीक है, और खरीदने के लिए जो आपने भुगतान किया है वो बैंक से किया गया है, ठीक है, इसीलिए इस ट्रांजेक्शन को आपको पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करना है। ये चीज आपको क्लियर हो रही है? देखिए थोड़ा सा गला खराब है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से थोड़ी आवाज़ आपको गड़बड़ लग रही होगी, बट आपके सामने स्क्रीन पर जो है ये नोट्स हैं, तो आप इसको रीड करेंगे तो आपको और अच्छे से जो है चीज़ें जो है समझ में आएंगी। एक और ट्रांजेक्शन देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 1 मई को हमने मोहन को
अप्रैल माह की, मतलब अप्रैल महीने की जो तनख्वाह है वो 5,000 रुपये स्टेट बैंक इंडिया के चेक से दिए। सेम देखिए दोबारा पर यहीं पर वो बात है कि यहाँ पर क्या है कि हमारा कोई एम्प्लॉई है जिसको हमने 1 मई को क्या किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक दिया है, और उस चेक पर जो अमाउंट हमने दिया है कितना दिया है, 5,000 रुपये दिया है। लेकिन मेन देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर पैसे दिए गए हैं, मतलब पैसे का पेमेंट किया गया है, ठीक है। क्योंकि हमने क्या दिया यहाँ पर, देखिए पेमेंट में हमने तनख्वाह दिया है, तनख्वाह का मतलब क्या है, यहाँ पर सैलरी दी गई है। किसको दी गई है, मोहन को दी गई है, मतलब कि हमने पेमेंट दिया है। और जब आपने पेमेंट दिया है तो ये क्या होगा, पेमेंट वाउचर के अंदर रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर लिखा हुआ है सामने कि हमने कर्मचारी की तनख्वाह जो है वो भुगतान किया है, मतलब कि उसको पे किया है, इसीलिए इस ट्रांजेक्शन को आप पेमेंट वाउचर के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। एक और ट्रांजेक्शन देखते हैं, जैसे 1 मई को हमने जो माल किसी व्यक्ति को अशोक ट्रेडर से दिलवाया था, अशोक ट्रेडर से हमने उसका कमीशन जो है वो 5,000 चेक द्वारा प्राप्त हुआ, जो हमने स्टेट बैंक इंडिया के खाते में डिपॉजिट कर दिया। देखिए समझिए यहाँ पर क्या है कि 1 मई को क्या हुआ, हमने जो भी माल है किसी व्यक्ति को, जैसे कि मान लीजिए अशोक ट्रेडर जो है उसको दिलवाया, मतलब कोई माल हमने उसको क्या किया, मतलब दिलवाया है, खरीदवाया है, ठीक है, उसने खरीदा है, और खरीदने बाद क्या क्या, जो अशोक ट्रेडर है जिसने जिसको हमने सामान दिया खरीदवाया था, उसने हमारा जो कमीशन है 5,000 रुपये हमें दिया, ठीक है। लेकिन जो उसने कमीशन हमें दिया है वो कैश नहीं दिया है, ठीक है, उसने क्या किया, उस कमीशन को उसने हमें एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्या कर गया, मतलब 5,000 का चेक दिया बैंक का, ठीक है, और जिसको क्या करा, हमने खाते में डिपॉजिट किया, मतलब कि हमारे पास एक रिसिप्ट आई है, मतलब 5,000 का हमारे पास क्या है, चेक आया है, जिसे आप डिपॉजिट करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, मतलब पैसा भी आपके पास आया नहीं है, आपको एक रिसिप्ट के तौर पर एक चीज़ मिल गई है आपको, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो ये जो ट्रांजेक्शन है इसमें चेक के माध्यम से जो कमीशन हमें प्राप्त हुआ है, मतलब कि हमें प्राप्ति तो हुई है लेकिन अभी हाथ में नहीं आया, इसीलिए इस ट्रांजेक्शन को आप रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड करोगे, और ये जो पेमेंट है वो आपके रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड होगी। चलिए एक और देखते हैं ट्रांजेक्शन, जैसे देखिए 1 मई को हमने जो है सुपरमार्केट से 10,000 का माल उधार खरीदा। यहाँ पर देखिए समझने वाली बात यह है कि आपने 10,000 का माल क्या किया है, खरीदा है, ये नहीं उधार खरीदा है, कैश खरीदा वो एक अलग चीज़ है, लेकिन माल आपने क्या किया है, खरीदा है, खरीदने का मतलब परचेज किया है। तो ट्रांजेक्शन को देखने से ये साफ पता चलता है कि आपने जो माल है वो खरीदी की गई है, इसीलिए इस ट्रांजेक्शन को जो है वो परचेज वाउचर में रिकॉर्ड किया जाएगा। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि 3 मई को हमने सुपरमार्केट से जो माल खरीदा था उसे मोहन ट्रेडर्स को 15,000 में बेच दिया। देखिए 1 मई को हमने सुपरमार्केट से 10,000 का माल खरीदा, उधार खरीदा था, इसलिए हमने उसे परचेज में हमने रिकॉर्ड किया, लेकिन सेम वही माल 3 मई को हमने क्या किया कि सुपरमार्केट से जो खरीदा था उसे मोहन ट्रेडर को, मतलब 10 में खरीद गया, 15,000 में क्या कर दिया, बेच दिया। मतलब यहाँ पर हमने माल खरीदा नहीं है, खरीदे हुए माल को हमने 15,000 में बेचा है, मतलब कि माल को सेल किया गया है, इसीलिए ये ट्रांजेक्शन जो है वो सेल वाउचर में रिकॉर्ड होगी। ठीक है, जैसा कि देख भी रहे हैं आप कि ट्रांजेक्शन को देखने से साफ पता चलता है कि आपने जो माल है वो बेचा है, इसीलिए इस ट्रांजेक्शन को सेल वाउचर के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लियर है। एक और ट्रांजेक्शन देखते हैं, जैसे देखिए हमने 15,000 का जो माल मोहन ट्रेडर को बेचा था वह खराब होने की वजह से मोहन ट्रेडर ने क्या किया, हमें 5 मई को वह माल जो है वो वापस कर दिया। दुख की बात है कि जो माल आपने 15,000 का मोहन ट्रेडर को बेचा था और उन्हें पता चल गया कि ये जो माल है वो खराब है, मतलब इसके अंदर डिफॉल्ट है कोई, तो उसने क्या किया, मोहन ट्रेडर ने जो माल हमने 5 मई को बेचा था वो उन्होंने क्या कर दिया, वापस कर दिया। मतलब कि जो माल आपने बेचा वो माल आपके पास वापस आ गया है। तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना है, देखिए इस ट्रांजेक्शन को ध्यान से देखने से हमने जो माल बेचा था वो खराब होने की वजह से क्या हुआ, खरीदार ने, मतलब जिसने खरीदा था उसने हमें वो वापस कर दिया, अर्थात ये सेल्स रिटर्न होगा, मतलब जो माल आपने सेल किया था, जो बेचा था वो आपका रिटर्न आ गया। ठीक है, बेचा हुआ सामान जब वापस आ गया तो आपका क्या कहलाएगा, सेल्स रिटर्न कहलाएगा। और जैसा कि मैंने आपको अकाउंटिंग वाउचर वाली वीडियोस में बताया था कि अगर कभी कोई सेल्स रिटर्न होता है तो आपको बताया गया है कि सेल्स रिटर्न को हमेशा क्रेडिट नोट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इसीलिए इस ट्रांजैक्शन को आपको क्रेडिट नोट वाउचर में रिकॉर्ड करना होगा। आई होप क्लियर है। एक और देखते हैं ट्रांजैक्शन, जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर कि 8 मई को आशा इंटरप्राइजेस ने
हमने इंटरप्राइजेस से हमने जो है 25,000 का फर्नीचर उधार खरीदा है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि खरीदा तो गया लेकिन क्या है, देखिए 8 मई को आशा इंटरप्राइजेस से हमने 25,000 का फर्नीचर जो है उधार खरीदा है। अब इसमें क्या है, देखिए इस ट्रांजेक्शन में उधार फर्नीचर खरीदा गया है, मतलब कि खरीद तो हुई है किंतु ये खरीद जो है वो फिक्स्ड असिस्ट एसेट्स है। और जैसा कि हमने आपको परचेस वाउचर में समझाया ही था कि अगर कोई भी सामान अगर आप खरीदते हो और वो मतलब जो खरीदते हो तो वो जो है वो आपका जो है परचेस के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब परचेस वाउचर में आप उसको रिकॉर्ड करोगे कि उसे ये सामान जो है वो खरीदा गया है। अच्छा, यदि कोई ऐसी वस्तु उधार खरीदते हैं जो बेचने के लिए नहीं होती है, ठीक है, यानी जिसका व्यापार नहीं करते हैं, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को आप जनरल वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। याद रखिए, अगर आप कोई ऐसा सामान खरीदते हैं जो आप आगे बेचना नहीं चाहते हैं, ठीक है, या बेचते नहीं हैं, तो वो जो सामान होगा आपका क्या हुआ, एक फिक्स्ड एसेट होगा, मतलब कि वो आपकी संपत्ति होती है, और उसको जो है आप जनरल वाउचर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। ये चीज़ें क्लियर हैं। अब देखिए, यदि फर्नीचर जो है नगद खरीदा होता तो इस ट्रांजेक्शन को हम पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करते, अगर नगद खरीदा होता तो, जैसे हमने क्या हुआ था, जो सामान हमने खरीदा है उसकी हमने पेमेंट की होती तो आप इसे पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करते। आई होप कि ये क्लियर है। आप एक बार में नहीं, आप थोड़ा सा इसे पढ़ेंगे सही तरीके से एक बार दो बार, तो आपको सारी चीज़ें जो है वो इजीली समझ में आने लगेंगी। चलिए एक और ट्रांजेक्शन देखते हैं यहाँ पर। देखिए क्या है कि 8 मई को मोहन ट्रेडर से हमने जो माल वापस आया है, जिसे हमने सुपरमार्केट से 10,000 में खरीदा था, उस माल को हमने सुपरमार्केट को वापस भेज दिया। सिंपल, देखो पहले हमने सुपरमार्केट से 10,000 का खरीदा था, हमने मोहन ट्रेडर को 15,000 का बेच दिया। माल खराब होने की वजह से क्या हुआ, मोहन ट्रेडर ने वो सामान हमें वापस कर दिया। और दोबारा हमने क्या किया कि 8 मई को फिर जो मोहन ट्रेडर से जो माल हमें वापस आया था, जो हमने उसे बेचा था, उसी माल को हमने क्या किया, सुपरमार्केट और 10,000 में दोबारा क्या कर दिया, सुपरमार्केट को वापस भेज दिया, जो 10,000 का माल हमने खरीदा था। तो यहाँ आपको क्या समझ में आता है कि जो माल हमने सुपरमार्केट से खरीदा था वह उसे ही वापस कर दिया जिससे कि हमने खरीदा था। तो खरीदा हुआ माल जो है वो वापस कर दिया गया, मतलब जो माल आपने खरीदा था जिससे उसी को आपने दोबारा इसे क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो इसे परचेस रिटर्न्स कहेंगे, जो आपने खरीदा और फिर वापस कर दिया, ये क्या हो गया, परचेस रिटर्न है। और ऐसा जो भी ट्रांजेक्शन आपके पास आएगा, ठीक है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को आपको डेबिट नोट वाउचर में रिकॉर्ड करना है, मतलब कि परचेस रिटर्न कि जो भी एंट्रीज होंगी, जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, उसको हमें डेबिट नॉट वाउचर में रिकॉर्ड करना है। चलिए एक और ट्रांजेक्शन देखते हैं। 10 मई को हमने जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेक द्वारा 5,000 रुपये नगद निकाले। क्या कहा मैंने कि 10 मई को हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से चेक के द्वारा 5,000 रुपये जो है वो नगद निकाले, मतलब चेक से पैसे हमने जो है वो नगद निकाले हैं। तो याद रखना है कि ऐसे ट्रांजैक्शन में बैंक से नगद रुपया निकाला गया है, और जैसा कि आपको बताया ही गया है कि कैश अकाउंट से बैंक अकाउंट में या बैंक अकाउंट से कैश अकाउंट में अगर पैसा आता है या जाता है, तो इस तरह के ट्रांजैक्शन को आपको काउंटर वाउचर में रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो इसीलिए इस ट्रांजैक्शन को आप काउंटर वाउचर में रिकॉर्ड करोगे। एक लास्ट जो है हमारा ट्रांजैक्शन, इसको और देख लेते हैं, ठीक है, ये हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने अशोक ट्रेडर से कमीशन का जो चेक प्राप्त हुआ था वह 12 मई को बैंक से डिसऑनर होकर, यानी कि चेक जो है वो बाउंस होकर वापस आ गया, ठीक है, कारण कुछ भी हो सकता है लेकिन जो पैसा है वो बाउंस हो गया, हमारे पास नहीं आया। एक बार फिर से मैं समझाता हूँ। देखिए, हमने जो अशोक ट्रेडर से कमीशन का जो चेक प्राप्त हुआ था, ठीक है, जो भी 5,000 का चेक प्राप्त हुआ था, वो 12 मई को बैंक से डिसऑनर होकर वापस आ गया, मतलब कि बाउंस होकर वापस आ गया। अब आपको याद रखना है कि ऐसे ट्रांजेक्शन में जो चेक डिसऑनर होकर, मतलब बाउंस होकर वापस आता है, तब सोचने वाली बात यह है कि ये ना तो पेमेंट हुई है और ना ही रिसिप्ट है, ना ही कुछ खरीदा गया और ना ही कुछ बेचा गया है, ठीक है। तो ना, जब आपके पास ऐसा कोई ट्रांजेक्शन आता है जिसमें कोई पेमेंट नहीं हुई है, कोई रिसिप्ट नहीं है, कुछ खरीदा नहीं गया है, कुछ बेचा नहीं गया है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को आपको सोचना है कि किस वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। तो आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जैसा कि आपको पता ही है कि ऐसे ट्रांजेक्शन जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं हो, ठीक है, या जिसके रिकॉर्ड के बारे में आपको पता ही नहीं है कि इसको कहाँ एंट्री करनी है, तो ऐसे सभी ट्रांजेक्शन को आप जनरल वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे सभी ट्रांजेक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करना, आपको जनरल वाउचर में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर होगा
हुआ हो गया होगा कि मैंने इस वीडियोस में आपको बताया है कि ट्रांजैक्शन को देखकर किस तरीके से आप ये फाइंड करोगे, किस तरीके से पता करोगे कि कौन सी एंट्री जो है वो किस किस वाउचर के अंदर रिकॉर्ड होगी। ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बताया है। मैं आपको एक बार और बोल दे रहा हूँ कि इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको अकाउंटिंग वाउचर्स के बारे में बताया था पूरा, जिसके अंदर मैंने सबको समझाया था कि सेल्स वाउचर्स क्या है, सेल्स वाउचर क्या है, परचेज वाउचर्स क्या है, रिसिप्ट क्या है, जनरल एंट्री क्या है, कॉन्ट्रास्ट क्या है, पेमेंट्स क्या है, इन सबको बड़ी ही डिटेल के साथ आपको बताया गया है। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपको ये ट्रांजेक्शन पहचानने में और भी आसानी होगी। और प्लीज़ इस नोट्स को आप याद रखिएगा। अब आने वाली जो इसके आगे वाली जो वीडियोस होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि रिसिप्ट वाउचर के अंदर एंट्री किस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं, तो आप इन जो नोट्स हैं इनको सही तरीके से एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वन बाय वन क्लियर हो जाएंगी। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सारी चीज़ें जो ईजिली समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप सिंपली मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं जब भी आपके डाउट्स को देखूंगा, आपके क्वेश्चन को देखूंगा, उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपको मिल सके और आप उन वीडियोज़ को देख कर टैली के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वन बाय वन करके सीख सकेंगे हमारे इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों अगर आप एडवांस एक्सेल या कोई दूसरा कोर्स जो कंप्यूटर के अंदर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे कोर्सेज के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, तो आप उन वीडियोस को देखकर एक एक करके उन कोर्सेज को भी सीख सकते हैं। अगर आपको वीडियोस रिलेटेड किसी तरीके का कोई डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं जब भी आपके डाउट्स या कमेंट्स को देखूंगा उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू दोस्तों सो मच, फिर मिलेंगे एक नई वीडियोज़ के साथ। जय हिंद।